इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिल्ली से, जहां केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री का आरोप लगा है। जैसे ये कंट्रोवर्सी उठी, मैंने रिटन में मुख्यमंत्री के दफ्तर से उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि मैं सारे तथ्य जानना चाहता हूँ, एक्सप्लेन। उनका जो जवाब है, वो जवाब पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे कि वो निर्दोष है। वो डॉक्यूमेंट्स जो उसने मुझे दिखाए, अब पता चल रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी थे। कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन, उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। बड़ी खबर दिल्ली में, केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हवाला केस में आपको बता दें गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर और बड़ा झटका यहां पर केजरीवाल सरकार को, दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं। मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं, एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है। दिल्ली की लिकर पॉलिसी को लेकर के सीबीआई पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से। ये लिकर पॉलिसी आबकारी नीति वापस ले ली गई, इससे राजस्व को नुकसान हुआ। साथ ही साथ इस मामले में तमाम तरह की विसंगतियां पाई गई थी, कई गड़बड़ियां पाई गई थी इस पॉलिसी में, और पाया गया कि इसमें नियमों की अनदेखी की गई। सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया हुआ है और मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।